हेलो डियर लिसनर्स डियर लिसनर्स वी आर डूइंग यूनिट फोर सेक्शन बी एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज बी नाइन विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर नाइंटी सिक्स यू हैव हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांच आपने वर्ड ब्रांच के बारे में सुना होगा ओके दिस वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मीनिंग एंड साउंड ऑफ टू वर्ड्स तो ये जो वर्ड है ब्रंच ये कॉम्बिनेशन है किसका टू साउंड्स का और मीनिंग्स का दो डिफरेंट मीनिंग्स है दो तो डिफरेंट साउंड है उनसे बना हुआ है मीन्स ब्रेकफास्ट एंड लंच ठीक है ब्रेकफास्ट एंड लंच साथ में कॉम्बिनेट करते हैं तो क्या बन जाता है ब्रंच ओके नाउ फाइंड आउट विच वर्ड्स आर कॉम्बिनेशन टू क्रिएट द न्यू लिस्टेड बिलो सो हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उसमें से हमें कॉम्बी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमें जो है कॉम्बी कॉम्बिनेशन करना है उन वर्ड के साथ और न्यू वर्ड क्रिएट करना है ओके पिक पिकअ वर्ड फ्रॉम कॉलम ए एंड द अदर वर्ड फ्रॉम कॉलम बी गिवन बिलो तो कॉलम ए दिया गया है यहाँ से एक वर्ड लेना है कॉलम बी दिया गया है वहाँ से एक वर्ड लेना है फिर इनका टू वर्ड्स का हमें कॉम्बिनेशन करना है ओके द फर्स्ट वर्ड इज स्मोक स्मोक कॉम्बिनेशन के साथ होगा के साथ तो क्या वर्ड बन जाएगा स्मोक तो so, नीचे यहां पर हमें स्पेस दिया है जिस वर्ड को हम मैच कर रहे हैं उसको हमने लिखना भी है और जो नया वर्ड है क्या फॉर्म होगा स्मोक ठीक है तो स्मोक वी विल राइट एस एस एम ओ के ई स्मोक एंड फोक एफ ओ जी तो दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या हुआ स्मोक नेक्स्ट इज फोटीन ओके है फोर्टीन हम किसके साथ मैच करेंगे नाइट के साथ ठीक है तो क्या वर्ड बनेगा यहाँ पर फोर्ट नाइट क्या बन जाएगा दोनों तो को कंबाइन करके फोर्ट नाइट तो हम लिखेंगे फोर एफ ओ यू आर फोर टीन टी डबल ई एन फोर दूसरा वर्ड कौन सा ऐड किया हमने नाइट दोनों कॉम्बिनेशन क्या बना फोर्ट नाइट फोर्ट नाइट नो नेक्स्ट वर्ड स्प्लैश की स्प्लैश को हम किसका मैच करेंगे स्केटर के साथ तो कांग जैग है नीचे लास्ट में स्केटर ठीक है तो क्या वर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर स्पेक्टर ठीक है तो हम लिखेंगे लिखेंगे स्प्लैश स्प्लैश सेकेंड वर्ड क्या लिया हमने स्केटर एस सी ए डबल टी आ स्केटर और वर्ड क्या फॉर्म हुआ पर स्पैटर नाउ नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज मोटर मोटर को हम किसे मैच करेंगे पैडल के साथ okay. तो पर हम लिखेंगे मोटर एम ओ टी ओ आर मोटर प्लस पैडल पी ई टी एल और दोनों वर्ड जब आपस से मिलते हैं तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा मो पैट ठीक okay. मो Had. Hope you have done it now we'll take the next word smack of smack to kese match karenge mashed this out we, will with you, with you. we will write smack here s m -t 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 ए सी के स्मैक एंड सेकेंड वर्ड इज मैश स्मैश तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फॉर्म हुआ है कॉम्बिनेशन किसका बन गया है कंबाइन करके क्या बन गया है स्मैश स्मैश स्मैक प्लस मैश स्मैश नेक्स्ट वर्ड इज मोटर और हम इसे किसके साथ मैच करेंगे होटेल के साथ ठीक मैं हमें लिखेंगे यहाँ पर मोटर हमने ऊपर भी लिखा है एक बार मोटर यहाँ पर दोबारा लेंगे मोटर प्लस होटेल एच ओ टी ई एल होटल और इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या है क्या बना है मोटेल ठीक okay, पर होटेल मोटेल नाउ आई वि नेक्स्ट वर्क कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस किससे मैच करेंगे आप मैन के साथ पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉन्फिडेंस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस की सी ओ एन एफ आई डी ई एन सी ई कॉन्फिडेंस राइट प्लस मैन एम ए एन मैन तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना है कॉन मैन फिडेंस प्लस मैन कॉन मैन उपयोडन इट सो ऐसे ही बहुत से वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड फॉर्म कर देते हैं ठीक है तो फर्स्ट वर्ड हमने जैसे लिखा है मैं बता चुकी हूँ स्मोक प्लस फॉक क्या बनेगा स्मोक सेकेंड इज फोर्टीन प्लस नाइट ठीक है क्या बनाऊ उसे फोर्थ नाइट नेक्स्ट इज स्पलैश प्लस स्केटर वर्ड क्या फॉर्म हुआ स्पैटर फिफ्थ इज मोटर प्लस पैडल वर्ड क्या फॉर्म हुआ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज स्मैक प्लस मैश तो इन दोनों वर्ड से जो वर्ड बना वो क्या हुआ स्मैश नेक्स्ट वन इज मोटर प्लस होटेल वर्ड क्या बना है यहां पर दोनों वर्ड से कौन सा वर्ड बना मोटेल नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस प्लस मैन कॉन मैन सो डे स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन Thank you and have a nice day.